टाइम ऐसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे टेस्ट होते रहेंगे, जिससे एक तो बच्चे को अपना लेवल पता चलता है, परिवार, अपना गांव और अपना प्रदेश और अपना देश आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद सर। तो ये तस्वीर मैं आपको बहल क्षेत्र की दिखा पा रहा हूँ, जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से, जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ा नाम कमाने वाला, आज मैं उससे आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। जो सुनील चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बहल का एकमात्र हॉस्पिटल, उसके जो मेन ओनर हैं सुनील सर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि चिकित्सा का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र दोनों में कम्युनिकेशन मिला के चलने वाला इंसान, आज बच्चों के बीच में एक स्पेशल प्राइस टेस्ट जो हुआ, तो तस्वीरों के अंदर जो बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम जीतने के, जो फर्स्ट इनाम 11,000 रुपये का रहा, तो डॉक्टर सुनील भांबू जी से भी मैं मुलाकात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र दोनों को लेकर आप चले। जी मेन तो यही दे था करमवीर भाई हमारा, कि बच्चों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेट किया जाए और बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बने, एग्ज़ाम्स वगैरह रेगुलर ऐसे होते रहेंगे तो बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे और साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आपने बहल क्षेत्र के अंदर एक नई मुहिम शुरू कर दी कि कहीं भी जाके बच्चों के अंदर एक स्पेशल प्राइस टेस्ट हो तो बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है। ये तो है, अगर टाइम टू टाइम ऐसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे टेस्ट होते रहेंगे, इससे एक तो बच्चे को अपना लेवल पता चलता रहेगा कि भाई इतने बच्चों में मेरी कौन सी रैंक आ रही है, मेरी किस लेवल की तैयारी है, और दूसरा बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा, वो टाइम टू टाइम मोटिवेट होता रहेगा। जी बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप जो बच्चे मेरे साथ में जो फर्स्ट रैंकिंग सेकंड थर्ड जो हैं, फर्स्ट रैंकिंग कौन सा बच्चा है? ये गुड़िया है। गुड़िया आप इधर आइएगा, आप जाइएगा उधर उस साइड में। आप सेकंड है ना आप? तो अच्छा सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से हो आप? मतानी गांव से। आपके पापा का क्या नाम है? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह, तो आपने आज फर्स्ट रैंक हासिल किया जो टेस्ट के जो हुआ आपका एम्बेसन एकेडमी में, तो आपको कितनी इसमें पढ़ाई के दौरान कठिनाइयाँ आई, और आपने क्षेत्रवासियों को भी दिखा दिया कि कोई भी बच्चा मेहनत करता है तो क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे अपनी खुशी पे? मतलब कि आप बोलिएगा और दूसरे बच्चों को प्रेरित करिएगा, क्या कहेंगे? तो बच्चा देखिए क्या होता है, खुशी, एक खुशी खुशी सबसे बड़ी हो जाती है, तो बच्चा थोड़ा सा बोल नहीं पाता। क्या नाम है बेटा आपका? जी सेकंड पोजीशन पे रहे। जी तो आपको अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो क्या किस चीज़ की तैयारी है आपकी? तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो आप? जी और आप आगे क्या बनना चाहते हो, क्या किस मतलब किस फील्ड में निकलना चाहते हो आप? पुलिस में, डॉक्टर में,
सर ये अच्छा से कि जितने भी एग्जाम है उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे सभी। तो बच्चा थोड़ा सा क्या है कि एक खुशी होती है, तो खुशी के बारे में नहीं बोल पाते। क्या नाम है बेटा आपका? परवीन। कौन सा गाँव बेटा? नांगल सिंह। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह जी। तो आज आपने यहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। सभी बच्चों जो एम्बिशन एकेडमी के अंदर एक 550-600 के बच्चे आसपास हैं, तो आप थर्ड पोजीशन पे रहे, क्या कहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, मेहनत जारी रखें और सफलता मिलेगी जरूर। कंटिन्यूटी जरूरी है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर एम्बिशन एकेडमी के, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, आमंत्रित करते हैं। जी आइए सर। सर काफ़ी लाखों लोग आपको देख पा रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि आपके इस क्षेत्र के अंदर बहल एक छोटा सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर एक एकेडमी से जो कि 700-800 बच्चे सरकारी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं सर, ये जो इस क्षेत्र के अंदर जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी, तो क्या कहेंगे सर इस क्षेत्रवासियों के लिए आप? करमवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा के क्षेत्र में आपका साथ देने के लिए। हमारा बस एम्बिशन परिवार का एकेडमी का एक ही मोटो है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा आगे बढ़े। बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसका अपना परिवार, अपना गांव और अपना प्रदेश और अपना देश आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद सर। तो ये तस्वीर में आपको बहल क्षेत्र की जो दिखा पा रहा था, जय हरियाणा टीवी के लिए करमवीर सार सर की रिपोर्ट। एक सेकंड। इस गुड़िया की जो मेहनत की जाए उतनी क्या तारीफ है इस बच्ची के बारे में, क्या मेहनत की है, क्या कमाल किया है। जो स्टार्टिंग के जो तुम स्टूडेंट्स को जो बताया जाता है शुरुआती पल क्या होते हैं कोचिंग के, किसी चीज की गाड़ी बांधने के लिए, उनके इन गुड़िया का जो सफर था बिल्कुल ही एवरेज। जो इनाम है हरियाणा का, आज जो अपने एकेडमी में पूरे हरियाणा को चैलेंज किया गया था, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, कर सकता है, विनर हो सकता है। तो पूरे हरियाणा में जिस गुड़िया ने टॉप किया है वो है प्रीति मतानी। दिखा पा रहा हूँ जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से, जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ा नाम कमाने वाला, आज मैं उससे आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। जो सुनील चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बहल का एकमात्र हॉस्पिटल, उसके जो मेन ओनर हैं सुनील सर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि चिकित्सा का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र दोनों में कम्युनिकेशन मिला के चलने वाला इंसान आज बच्चों के बीच में एक स्पेशल प्राइस टेस्ट जो हुआ, तो तस्वीरों के अंदर जो बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम जीतने के, जो फर्स्ट इनाम 11,000 रुपये का रहा, तो डॉक्टर सुनील बांबू जी से भी मैं मुलाकात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र दोनों को लेकर आप चले। जी मेन तो यही ध्येय था करमवीर भाई हमारा कि बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोटिवेट किया जाए और बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बने। एग्जाम्स वगैरह रेगुलर ऐसे होते रहेंगे तो बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आपने बहल क्षेत्र के अंदर एक नई मुहिम शुरू कर दी कि कहीं भी जाके बच्चों के अंदर एक स्पेशल प्राइस टेस्ट हो तो बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है। ये तो है ही, अगर टाइम टू टाइम ऐसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे टेस्ट होते रहेंगे, इससे एक तो बच्चे को अपना लेवल पता चलता रहेगा कि भाई इतने बच्चों में मेरी कौन सी रैंक आ रही है, मेरी किस लेवल की तैयारी है, और दूसरा बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा, वो टाइम टू टाइम मोटिवेट होता रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप जो बच्चे मेरे साथ में जो फर्स्ट रैंकिंग सेकेंड थर्ड जो हैं, फर्स्ट रैंकिंग कौन सा बच्चा है? जी सेकेंड पोजिशन पर रहे। जी तो आपको अभी तैयारी कर रहे हो, तो क्या किस चीज़ की तैयारी है आपकी?
तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं बच्चे सभी। तो बच्चा थोड़ा सा क्या है कि एक खुशी होती है, तो खुशी के बारे में नहीं बोल पाते। क्या नाम है बेटा आपका? परवीन। कौन सा गाँव बेटा? नांगल सिंह। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह जी। तो आज आपने यहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। सभी बच्चों जो एम्बेसन एकेडमी के अंदर एक 550-600 के बच्चे आसपास हैं, तो आप थर्ड पोजीशन पे रहे, क्या कहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, मेहनत जारी रखें और सफलता मिलेगी जरूर। कंटिन्यूटी जरूरी है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर एम्बेसन एकेडमी के, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, आमंत्रित करते हैं। जी आइए सर। सर, काफ़ी लाखों लोग आपको देख पा रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि आपके इस क्षेत्र के अंदर, बहल एक छोटा सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर एक एकेडमिक से जो कि 700-800 बच्चे सरकारी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं सर, ये जो इस क्षेत्र के अंदर जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी, तो क्या कहेंगे सर इस क्षेत्रवासियों के लिए आप? करमवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा के क्षेत्र में आपका साथ देने के लिए। हमारा बस एम्बिशन परिवार का, एकेडमी का एक ही मोटो है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा आगे बढ़े। बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसका अपना परिवार, अपना गांव और अपना प्रदेश और अपना देश आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद सर। तो ये तस्वीर में आपको बहल क्षेत्र की जो दिखा पा रहा था, जय हरियाणा टीवी के लिए करमवीर सर सर की रिपोर्ट। और ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो ना, तो सफलता एक दिन मिलेगी मिलेगी। ये हो सकता है आपका एक टेस्ट में, अगले टेस्ट में, उसके बाद एक साल दो साल तक सिलेक्शन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। दूसरा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मोटिवेशन एक क्या चीज़ होती है। मैं टीचर्स को भी विचित्र मास्टर भी कोई बोलता रहता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करते रहो, बच्चों को मोटिवेट करते रहो। मोटिवेशन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपको एक छोटी सी बात के द्वारा बताता हूँ। महाराणा प्रताप सारे युद्ध हार के और जंगलों में भटक रहा था। उनके साथ उनका एक लड़का था, जंगलों में भटकते भटकते उसने घास की रोटी खोई और उसको भी एक वन बिलाव जो होता है ना, वो उठा के ले गया। तो महाराणा प्रताप बच्चे को रोता लटका हुआ हूँ, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। या हम लिख के ले लो अपने माँ बाप के आगे, अगर आप कभी भी जाओ तो हमेशा हंसता हुआ चेहरा लेके जाना, क्योंकि माँ बाप हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। आज सुना है एक शेर गिद्धड़ के साथ रहेगा। मैंने आज सुना है कि सूरज को बादल की जो छोटे टुकड़े नहीं होते हैं।